हरे कृष्णा राधे राधे। धनतेरस का ये शुभ दिन आया है, सबके लिए नई खुशियां लाया है। लक्ष्मी गणेश विराजे आपके घर में और आपके परिवार पर सदा रहे खुशियों की छाया। आपके लिए दिल से प्रार्थना है माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में। अब आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की धनतेरस की बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे तो सृष्टि के पालन के लिए जाना है, आप चलकर क्या करोगे? पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे साथ चल सकती हो, पर आप वचन दो कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगे। लक्ष्मी जी ने वचन दिया और दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। रात भर बरसात के बाद बहुत ही सुहावनी सुबह थी, ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर दृश्य था। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मुझे उत्तर दिशा में किसी काम से जाना है, आप अपने वचनानुसार इधर मत देखना। माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु, मुझे याद है, मैं आपका यही इंतजार करती हूँ, कृपया कर आप जल्दी आए। अभी सुनकर भगवान विष्णु निश्चित होकर वहां से चले गए। अब माँ लक्ष्मी चारों तरफ हरियाली देख रही थी, पंछियों की चहचहाट, भोर की ठंडी हवा, बहुत ही आनंदमय समय था। माता यहाँ वहां निहार रही थी, उन्हें याद ही नहीं रहा और वो उत्तर दिशा की ओर ही चल पड़ी और एक सुंदर बगीचे में पहुंच गई। वहां सरसों का खेत था। सुंदर सरसों के फूल माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और अपना श्रृंगार कर लिया। वहां गन्ने के खेत भी थे। माँ ने गन्ना उठाया और चूसने लगी, तभी सामने से भगवान विष्णु आते दिखाई दिए। वो माँ लक्ष्मी के पास आकर बहुत गुस्सा हुए, बोले, देवी, आपने अपना वचन तोड़ा है, साथ ही बिना पूछे ये गन्ना और फूल लिए हैं। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती और दिया वचन तोड़ती है, उसे दोष लगता है। माँ लक्ष्मी सुनकर चौंक पड़े, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगी। वो बोली, प्रभु, अपराध क्षमा करें। भगवान विष्णु बोले, नहीं देवी, तुम पर बिना पूछे गन्ने और फूल लेने का दोष है, अतः तुम इस खेत के मालिक के यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करो, उससे तुम्हारा दोष हट जाएगा। अब माता लक्ष्मी ने प्रभु की बात को सरमाथे किया। भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान में बैठ कर चले गए। माँ लक्ष्मी ने अपना रूप एक गरीब औरत का बनाया और उस खेत के मालिक के घर पहुंची। उसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था। उसके बाद फिर वो छोटा सा खेत और एक झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ रहता था। माँ लक्ष्मी साधारण स्त्री के वेश में माधव के सामने आई और बोली, कृपया करके मुझे कुछ काम दे दो, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अब ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, बहन, मेरी आमदनी से मेरा घर ही बहुत मुश्किल से चलता है, पर अगर मेरी 4 की जगह 5 बेटियां होती तो भी तो हम गुजारा करते ही। अगर आप हमारे साथ गुजारा कर सकते हो तो हमारे साथ रह लो। अब माधव की पत्नी भी माधव की तरह ही बड़ी दयालु थी। माँ लक्ष्मी का उन्होंने दोनों ने खुले दिल से स्वागत किया। जो भी थोड़ा बहुत सूखा सूखा घर में था वही उन्हें खाने को परोस दिया। माता लक्ष्मी उनकी इतनी दयालुता से बड़ी प्रभावित हो। अब माधव के दिन बदल गए। उसके खेत के फूल बहुत अच्छी कीमत पर एक सेठ ने ले लिए। माधव ने एक गाय खरीद ली। वो गाय बहुत दूध देती थी। घर में सबके पीने के बाद भी बहुत सारा बच जाता था जिसे वो लोग बेच देते थे। उससे भी आमदनी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने 2 और गाय खरीद ली, भैंस खरीद ली। अब आमदनी बढ़ने लगी। उसने नया बड़ा खेत भी ले लिया। धीरे धीरे घर भी बड़ा पक्का बनवा लिया। माधव और उसकी पत्नी को यह एहसास था कि इस औरत के भाग्य से हमारी जिंदगी बदली है। ये लोग माता लक्ष्मी को कभी किसी भी तरह के कष्ट नहीं देते थे। हमेशा उन्हें अपनी बेटी की तरह स्नेह प्रेम करते थे, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश थी। धीरे धीरे 12 वर्ष पूरे थे। माधव ने अपनी सभी बेटियों की शादी कर दी थी। वो और उसकी पत्नी बुजुर्ग हो चले थे, पर माता लक्ष्मी का स्वरूप वैसा ही था जैसे जब वो आई थी। ये बात माधव को बड़ी अजीब लगती थी। एक समय जब माधव अपने खेत से वापस घर आया तो उसने देखा एक औरत बहुत सुंदर गहनों में लदी खड़ी हुई है। माधव हैरान रह गया, पास आया तो पहचान गया तो ये तो वही स्त्री है जो उसके घर में काम करती है। तभी वहां भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए और वो माँ लक्ष्मी को वापस ले जाने लगे। उन्हें देखकर माधव ने सर झुका लिया। अब माधव को यह पता चल गया था कि ये औरत और कोई नहीं माँ लक्ष्मी है और वो बड़ा दुखी हुआ और क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान विष्णु बोले कि ये लक्ष्मी का दोष था, वो अपना दोष मिटाने तुम्हारे घर आई थी, अब किसी प्रकार का कोई भी विचार मन में मत रखो। अब लक्ष्मी जी भगवान के साथ वापस जाने लगी तो किसान ने रुक लिया, बोला, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गंदा खाने के कारण गुस्से में मैंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से ये तुम्हारे साथ रही। लक्ष्मी बहुत चंचला है, ये एक जगह नहीं देखती, बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनको नहीं रोक सकते। अब माधव हट करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे माधव, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर अच्छे से साफ करना, रात में घी का 4 मुखा दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अभी सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गए, भगवान भी देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार बढ़िया पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस दिन से वो हर साल धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने लगा। उस किसान की तरह ही सभी लोग धनतेरस के दिन पूजा करने लगे। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने किसान पर कृपा बरसाई वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते वो काला भट्टे सब पर पड़ताना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देना। बोला, वैभव लक्ष्मी भैया की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक माह की जय, हरे कृष्णा राधे राधे। उस इंसान की ख्वाहिशें हमेशा पूरी होती है जिस इंसान तक माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए अपने सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे माँ लक्ष्मी,
होठों पे हंसी, दिलों में खुशी, गम का कभी नाम ना हो। इस वीडियो को सुनने वाले को दुनिया की सारी खुशियां मिले और उन खुशियों की कभी शाम ना हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको कार्तिक महीने में धनतेरस की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन धन और आरोग्यता, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वो समुद्र मंथन के समय अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक, औषधि का पिता कहा जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन धातु, कोई भी धातु खरीदना भी अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से हमारी किस्मत चमक जाती है। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त भी दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। अब आपको धनतेरस की एक बड़ी सुंदर कहानी बताती हूँ। धनतेरस मनाने की कथा के संदर्भ में ये एक कहानी बहुत प्रचलित है। प्रेम से मन से भाव से सुने। राजा हिम के पुत्र की कुंडली में शादी के बाद चौथे दिन सांप के डसने से मौत होना लिखा था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। सावित्री को अपना आदर्श मानते हुए उसने किसी भी तरह राजकुमार को बचाने का निश्चय किया। चौथे दिन धनतेरस का था, सांप के डसने का अंदेशा था। राजकुमार और उसकी पत्नी अपने कमरे में ही बैठे थे। रानी ने अपने पति को सोने नहीं दिया। अपने सारे जेवर, गहने, सोने चांदी के सिक्के आदि से दरवाजे पर एक बड़ा सा ढेर बना दिया और सब तरफ दिए जला दिए। इसके बाद अपने पति को कहानियां और गीत आदि सुनाने लगी ताकि वे नींद न आए। जब राजकुमार की मृत्यु का समय आया तब यमराज सांप के रूप में दरवाजे के पास आए तो सोने चांदी जेवर और दियों की रोशनी के कारण उनकी आंखें चुभियाने लगी। यमराज राजकुमार के कमरे में प्रवेश ही नहीं कर सके। उनका ध्यान कहानी और गीत के कारण भी भटक गया। बहुत कोशिश करने पर भी वो कमरे में घुस ही नहीं सके। राजकुमार की मौत का समय टल गया। सुबह हो गई। तब यमराज अपने असली रूप में आए और रानी से बोले, तुमने अपने दृढ़ संकल्प से अपने पति की मृत्यु का समय टाल दिया। तब रानी बोली, हे महाराज, मैं बचपन से कार्तिक व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म, निर्जला एकादशी व्रत आदि सब करती हूँ। कृपया मेरे पुण्य और मेरी आयु लेकर मेरे पति को आयु वृद्धि दे। यमराज रानी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारे संकल्प से ही तुम्हारे पति की आयु बढ़ चुकी है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। तब रानी ने कहा कि प्रभु, कोई आसान उपाय बताओ ताकि लोगों को आपको भय ना रहे। तब यमराज बोले कि जो कोई मनुष्य आज के दिन यानी धनतेरस के दिन मेरे लिए दीपदान करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, उसे मेरा भय नहीं रहेगा। और ये कहकर उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया और यमराज अंत ध्यान हो। उसी दिन से धनतेरस मनाया जाने लगा। इस दिन को यम दीपदान के रूप में भी मनाया जाता है। यमराज के निमित्त दीपदान करने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। बोलो यमराज की जय। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी देव हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे तो इस कलश के लिए देवता और दानवों में बहुत भारी युद्ध हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं को अमर तत्व प्राप्त हुआ। तभी से धनतेरस पर प्रतीक के रूप में बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बर्तन की भी पूजा की जाती है और अपने परिवार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मां लक्ष्मी के श्री चरणों में एक प्रार्थना। दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो। मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर। इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो। अब एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपको कार्तिक महीने में धनतेरस की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज हमें सपोर्ट करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।